बहुत हुआ सम्मान बेटा बहुत हुआ सम्मान बहुत हुआ सम्मान. Let's have a huge round of applause for Rajeev Nigam. Thank you so much. आप लोगों की जोरदार शुक्रिया. चलिए शुरू करते हैं आज. आपको सबसे पहले कुछ ताज़ा खबरें सुनाता हूं आपको. ताज़ा खबर यह है कि इस साल देश में राम मंदिर बन जाएगा. कश्मीर से धारा 370 हट जाएगी. हर साल 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा और काला धन विदेश से जल्द ही वापस आएगा. वैसे इतनी सारी खबरें सुनाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक लाइन ही काफी थी कि देश में चुनाव होने वाले हैं. मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं किसी भी महागठबंधन, माइक्रो गठबंधन, मिनी गठबंधन का हिस्सा नहीं हूं. हालांकि कोलकाता में जिस दिन ममता बनर्जी ने महागठबंधन की रैली बुलाई थी, उस दिन मैं भी कलकत्ता गया था. लेकिन मैं आपको ईमानदारी से बता दूं, मैं रसगुल्ला लेने नहीं गया था. उस महारैली में कितने लोग इकट्ठा थे, रालोद, राजद, बसपा, सपा और जितने भी थे खपा, सब मौजूद थे. अच्छा, भीड़ भी बहुत थी. मैंने सोचा इतनी भीड़ कहां से आ गई, तो बाद में पता चला कि ममता जी ने बोला था जो जो यहां पर आएगा सबको संदेश मिलेगा. रैली खत्म होने के बाद पता चला खाने वाला संदेश नहीं था वो. एक लोग और थे वहां पर, शत्रुघ्न सिन्हा जी. आजकल ये बिल्कुल आलू हो गए हैं, हर जगह पाए जाते हैं. ये वो आलू हैं जो आलू से सोना बनने चाह रहे थे, लेकिन बेचारे वेफर बन के घूम रहे हैं. अच्छा, ये सारे लोग कोलकाता में इकट्ठा हुए थे किस लिए? मोदी जी की कुर्सी हिलाने के लिए. लेकिन किसी को पता ही नहीं कि 5 साल हो गए मोदी जी कुर्सी में बैठे ही नहीं. ये जितने भी लोग थे कहने लगे हम सब लोग मिलके मोदी से लड़ेगा, सब लोग मिलके मोदी से लड़ेगा. उसके बाद आपस में तो हमेशा लड़ना ही है. अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं अगले, तो मोदी जी का ऑप्शन क्या है. मैंने कोलकाता में 1.5 दर्जन प्रधानमंत्री देखे थे. 1 दर्जन तो बेचारे टाइम से इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि उनके कुर्ते नहीं सिल पाए थे. और ये थोक के भाव जितने प्रधानमंत्री थे वहां पर, सबके सब कंफ्यूज. इन सबको जाना दिल्ली था और सब कलकत्ता पहुंच गए. ये जो उनकी रैली थी, एक्चुअली रैली कम, ये शादी ब्याह का घर ज्यादा लग रहा था. दूर दूर से रिश्तेदार आए थे. आंध्रा से चंद्रा चाचू आए थे, पटना वाले चाचा का लड़का आया था, शरद मामा आए थे, खांसते हुए दिल्ली वाले मौसा जी भी आए थे, भतीजा साइकिल लेके ही लखनऊ से पहुंच गया था. 2 ऐसे भी लोग आए थे जो बिना बुलाए किसी भी शादी में घुस के खा आते, यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा. लेकिन वो शादी शादी क्या जिसमें फूफा फैले ना, और ये तो वो शादी है जिसमें एक नहीं सबके सब फूफा और कमाल के बाद एक बुआ भी है. अब सोचिए जब बारात दरवाजे पहुंचेगी तो क्या हालत होगी. देखो चबा क्या है, ई रैली हम बुलाया था, प्रधानमंत्री हम बनेगा, हम बनेगा प्रधानमंत्री. और ये देखिए प्रधानमंत्री जी हम भी बन सकते हैं जी. हैं, हम क्यों नहीं बन सकते हैं जी. इतने में पीछे से कोई तीसरा आया, 1 मिनट, यदि आप लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकती. हम बनेगा प्रधानमंत्री. नहीं, यदि तुम प्रधानमंत्री हम बनेगा. हम प्रधानमंत्री 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 चल रहा है. बदला दूल्हा उधर किनारे से सेहरा हटा के देख रहा है. भाइयों बहनों, ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री. बहुत हुआ सम्मान बेटा बहुत हुआ सम्मान बहुत हुआ सम्मान.